हेलो फेलो वॉन्डरर्स, फरीदाबाद से 1 घंटा 2 मिनट के डिस्टेंस पे एक विलेज पड़ता है जिसका नाम है मंडकोला। हम एक्चुअल में एक सब जब उस जगह को ढूंढ रहे थे तो वहाँ मंडकोला के प्रधान थे, वो मिले हमको एंड फिर उन्होंने हमें एक बहुत प्यारी लोकेशन बताई थी। आज मैं वापस जा रहा हूँ, उस लोकेशन को रिविज़िट कर रहा हूँ। 5 साल हो गए हैं, थोड़ा सा तो लग रहा है कि टाइम निकल गया है। तो मैं उस रास्ते पे तो उतर गया हूँ, बड़ा एकदम से रिकॉल हुआ कि कच्चा रास्ता था, मुझे अभी अभी याद आया। देखो ये इस तरह का रास्ता जाता है, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन। वापस आ गई तो मेरे पीछे आप पेड़ देख रहे हो, ऐसे ही एकदम देखो सामने ना खूबसूरत तरीके से उगा हुआ ये पेड़, और इसके अराउंड वो चबूतरा जो बनाया हुआ है बैठने बैठने के लिए। तो लैला और मैं पहुंच गए हैं उस मंदिर पे, पर मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा। शांति तो वैसी है पर तो मंदिर तो मिल गया और सही भी मिला है, क्योंकि मेमोरीज इतनी थी नहीं तो याद नहीं आ रहा था एग्जैक्टली कि है क्या, बट बिल्कुल सही लोकेशन में पहुँचा हूँ। और गेट बंद था, सब सोए पड़े हैं, खाली पड़ा है। सो दो तीन लोग मिले थे बाहर, तो उन्होंने पूछा कहाँ से क्या, तो मैंने उनको बताया कि कई सालों पहले आया था, तो ऐसे ही आज छुट्टी थी तो वापस आ गया है। और जगह भी अच्छी है, तो एक पर्पज़ होता है वीडियोस बनाने का यही वाला कि ऐसी जगह दिखाना जो नज़रों से हटी रह जाती हैं। अब क्यों ये मुझे इतना पसंद था मंदिर, वो दिखाता हूँ। तो इसका ओवरऑल लुक तो वैसे ही, क्योंकि बहुत पुराना नहीं है, जितना भी है कोई बहुत पुराना मंदिर नहीं है, पर इसका जो मेन अट्रैक्शन था वो जो मुझे बहुत पसंद था वो था ये। तो अब हम चलते हैं मंदिर की झील, और मंडकोला में ऐसे 3 मंदिर है जहाँ 7-7 झील है, ऐसे कई होते हैं। तो ये जो घाट वाली फीलिंग थी ना, ये सीढ़ियाँ ऐसे जाना और वो एक पॉइंट पे वो डाइविंग करने के लिए खड़े होना, और ये जो लुक था, इसी के लिए मैं यहाँ बार बार मुझे याद आ रहा था कि यहाँ जाना है। तो खुला आसमान, और वहाँ पे एक बहुत प्यारी सी चिड़िया है, और चाहिए ही क्या होता है, यही सब शांति और थोड़ी बहुत आती इधर उधर से आती आवाज़ें सीढ़ियों की, और बस नेचर में अब यहीं बैठूँगा, यहीं किताब पढ़ूँगा, या जो मन करेगा यहीं करूँगा कुछ 3-4 घंटे, 2-3 घंटे जितने भी हूँ, और दर्शन भी कर लिए जाए। शिवलिंग गणेश कुछ के भी झील के पास। बगुला, ओ और हमें लग रही थी भूख, तो हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं अपना लंच, हम मतलब मैं और मैं। पता नहीं हमें बोलने की आदत क्यों पड़ गई है। तो
आप लोग स्ट्रॉबेरी खाइए, केले खाइए, संतरे खाइए, और जगह का मजा लीजिए। तो दूर वहाँ कुछ मवेशी, हिंदी भाषा में मवेशी बोलते हैं मैमल्स का तो भैंस नहा रहे हैं और यहाँ बैठा है वो बगुला। ये कहाँ गया, कहाँ ये रहा। क्या प्यारा बर्ड। अब मैं एक राउंड ज़रूर मारूँगा दूसरी जगह से, उस पॉइंट से कहीं, ये मंदिर का व्यू देखने के लिए, एंड देन घर चलेंगे। तो हम लोग आ गए लास्ट शॉट की तरफ। दिस इज़ द शॉट, ये रहा वो मंदिर। मैं वहीं कहीं सीढ़ियों के पास बैठ के वीडियो बना रहा था जो आप लोग को पहले फ्रंट व्यू दिया है। तो बहुत ही सोलो सेक्लूडेड सा टेंपल, और आसपास कुछ नहीं है, सिर्फ शांति। साइन ऑफ करते हैं, नेक्स्ट कोई और जगह ढूंढूंगा ऐसे ही शांत शांत सी, जो जहाँ पे आप लोग बैठ सको, नेचर एंजॉय कर सको, ऐसे चिड़ियों के जायदाद के झगड़े सुन सको। खुश रहिए, शांति बनाए रखें, रोड के सारे रूल्स फॉलो करें, सब धर्मों को फिलॉसफी की तरह लें। तो ये मैं याद करूँगा 5 लाइनें। तब तक के लिए फ्रॉम हर एंड फ्रॉम मी।